हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टेक्निकल श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव। तो फ्रेंड, आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ एपेन के एक और अनदर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें आप वर्क करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये जो हमारी प्रोजेक्ट की सूची है, ये बस ख़त्म होने वाली है। शायद आज ही मैं सब चीज़ों को कवर कर दूँ। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं पूरी चीज़ें, मतलब आपको एक एक टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड, आप अच्छी तरीके से तभी समझ पाएंगे जब मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। यदि मैं एकदम से सब चीज़ें बता दूँगा तो आपके आधे सर से ऊपर से जाएंगे और आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक सब्सक्राइब वाला बटन है, उस पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ से घंटी आ जाएगी, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप सबसे पहले लुत्फ़ उठा पाएँ। तो चलिए फ्रेंड, आप वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में, मतलब इसी पे। मैंने अभी तक आपको देखिए इंस्टाग्राम वाले पे बता दिया और फेसबुक वाले का भी बता दिया, अब बात करेंगे हम इसका रेफरेटी। रेफरेटी ये बेसिकली कौन सा प्रोजेक्ट है, इसमें क्या करना पड़ता है, तो मैं ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा, उसमें क्वालिफिकेशन को कैसे कंप्लीट करना है, देखिए क्वालिफाई लिखा रहा है यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं आपको फुल जानकारी दूंगा कि कैसे आपको इसमें करना है। देखिए फ्रेंड, यदि आपने यू डिक्शनरी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जिसमें आपको ये मतलब मुहावरा इस टाइप का जो है, मतलब हिंदी मिल जाएगी इंग्लिश की। देखिए फ्रेंड, ये बेसिकली कौन सा है के हेल्प इम्प्रूव मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बाय रेटिंग द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन इनटू योर लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड, इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारी मातृभाषा है, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जी हाँ फ्रेंड, मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना है, और ये आप कोई टूल से कर सकते हो, जैसे गूगल ट्रांसलेशन है, आप उससे भी ये काम कर सकते हो और अच्छी खासे यहाँ से पैसे कमा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि आपको कोई एक, मतलब जैसे कि हमारे लिए ये वर्ड दिया गया, तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, और हमने इसको कॉपी करने के बाद, जैसे ये गूगल ट्रांसलेटर है, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा रहा है अपनी भाषा में अंग्रेजी अनुवाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करके मशीन अनुवाद प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद करना है, इस टॉपिक का मतलब। तो फ्रेंड, इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ से जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इसका ये मतलब है कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको उसमें हिंदी को मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड, इसके लिए जो है आपको पैसे दिए जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली $5 लिखा था पहले, लेकिन अभी कुछ मतलब टाइम से हटा दिया गया है, लेकिन बहुत जल्दी ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी लिस्टेड शॉर्टली, मतलब ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल्द ही सूचीबद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है सेक्शन विल बी डन इन टू स्टेज, मतलब हमें टू स्टेज में सेक्शन हमारा जो है कंप्लीट होगा। ये प्री, मतलब यहाँ पे जो है जब हम इस पे क्वालिफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक जो है अप्रूवल यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं बिना टाइम गवाए आपको सीधा सा बता देता हूँ कि आपको कैसे इसमें क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कैसे इसमें वर्क मिलेगा, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक फ्रेंड, आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्वालिफाई का बटन है, जहाँ पे मैं ये पेन से कर रहा हूँ, तो आपको केवल उसी बटन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है कि ट्रांसलेट एक्सपीरियंस इन ईयर, तो आपको कितनी साल का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस है, तो आप कर सकते हैं फ्रेंड, मैं 5 ईयर कर देता हूँ, ज़्यादा तो है नहीं लेकिन फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि तभी काम मिलने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा है डू यू हैव यूनिवर्सिटी डिग्री इन लैंग्वेज ट्रांसलेट, तो इसको हम जो है डिग्री नहीं है हमारे पास, नो कर देते हैं। आर यू क्वालिफाइड ए ट्रांसलेटर, फॉर एग्जाम्पल डू यू होल्ड रजिस्ट्रेशन विद ट्रांसलेशन क्वालिफिकेशन इन कंट्री, तो इसको हम जो है यस कर देते हैं। डू यू हैव एक्सपीरियंस यूजिंग CAT, मतलब कंप्यूटर एडेड, तो हम इसको नो कर देंगे क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद यहाँ से एक सेव का बटन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने वही जो पुरानी प्रोसेस है वही आपको सामने फिर से आ जाएगी।
जो मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे वही लिखा गया है कि DSOM श्रीवास्तव रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट रेफर टी, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन आवर करेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड यूर सबमिट इन्फॉर्मेशन यू मे बी इन्वाइट टू कंटिन्यू द क्वालिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर लिखा है फिर, प्लीज़ नोट डू द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन वी रिसीव डेली, प्लीज़ बी पेशेंट, विल वी वर्क टू वर्ड रिव्यू यूर क्वालिफिकेशन पैकेज। एंड यहाँ से फिर लिखा हुआ है फ्रेंड, यू विल रिसीव एन ईमेल, मतलब हम भविष्य में कोई ईमेल प्राप्त करेंगे जिसमें हमारे लिए बताया जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट में 100% तरीके से पास हो चुके हैं और आप अपना काम चालू कर सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट था फ्रेंड। मैं अगले वीडियो में फिर दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। और फ्रेंड आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Bye, 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 bye.